मैं आपको तीन बता रही हूँ, आप बताएं किसको क्या देंगी और क्यों। यू हैव टू एक्सप्लेन द रीज़न, और उसमें कोई मज़े की कहानी या मज़े की वजह भी बताइएगा, ठीक है। सो देर अली अब्बास, देर उसामा, देर जैन बेग। लॉन्ड्री करने के लिए किसको बोलेंगी इनमें से? अच्छा, मेरे पास लॉन्ड्री है, बिरयानी बनानी है, डिशेस वॉश करनी है, और गेस्ट को डायरेक्शन देनी है। अच्छा। ये चार ऑप्शन है, किसको क्या बोलेंगी? टीम भी बना सकती हैं, अकेला भी दे सकती हैं। लॉन्ड्री का मेरे ख्याल से मैं बोलूँगी उसामा को। अच्छा, क्यों? हाँ, बिकॉज वो बेचारा अलग रहता है, अलहदा रहता है यहाँ पर, तो उसको प्रैक्टिस होगी, घरेलू काम में सारे आ गए होंगे उसको। और कभी चाय वाय बना के पिलाई उन्होंने? कभी खाना वाना खिलाया उन्होंने? ही डज एवरीथिंग, ही मेक्स गुड टी। क्योंकि हम जब उनको बुलाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या अच्छा खाना बना, सेट पे बेचारा बना रहा होता था। अच्छा, उसको आता है, वो अपना कर लेता है, मतलब भूखा नहीं मरेगा वो वाली चीज है उसकी। और क्या है? बिरयानी बनानी है, डिशेस वॉश करनी है, और गेस्ट को डायरेक्शन देनी है। डिशेस जैन बेग को दे दूंगी। क्यों? करने के लिए, क्योंकि आई थिंक जैन भी जो है वो बाहर पड़े हैं काफ़ी अरसा, अकेले रहे हैं। हमारी बात होती रहती है कि उनको सब कुछ आता है, बड़े सलीकेमंद हैं वो खाना वाना डालने में, तो मेरे ख्याल से उनको डिशेस अच्छी वॉश कर लेंगे। अली अब्बास को बिरयानी बनाने का बोलूँगी, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ अरसे पहले वो मुझसे पूछ रहे थे कढ़ाई कैसे बनती है, कौन से मसाले लाने पड़ते हैं और क्या होता है, तो मेरे ख्याल से उनको आती होगी बनानी। अब तक कढ़ाई, अभी तक, अब तक बिरयानी तक पहुंच गए होंगे वो कढ़ाई बनाना उस वक्त स्टार्ट की थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने आप मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने लिखा कि आपने इंडस्ट्री में आके बहुत सीखा अपने आसपास को स्टार से, अपने सीनियर्स से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह क्या चीज़ पिक करती हैं, फॉर एग्जांपल आयजा को देख के, या सानिया सईद को देख के, या अजीका को, या रेहान शेख के साथ आपने किया, तो इन सबको जब आप देख रही होती हैं तो क्या कैसे पिक कर रही होती हैं? आप नोट करती हैं कोई चीज़ें? व्हाट्स द प्रोसेस? मैं या बैठ के गुफ्तगू करती हैं उनसे, गाइडेंस लेती हैं, टिप्स लेती हैं? गुफ्तगू इस तरीके से इतनी नहीं करती मैं, लेकिन मैं बहुत, मुझे लगता है अच्छी ऑब्जर्वर हूँ, मैं चुप रहती हूँ काफ़ी वक्त तक, और बैठ कर लोगों को लगता है कि मैं जो बाइपोलर हूँ और मेरा मूड अभी भी ख़राब है, मूड स्विंग्स बहुत है मेरे, मेरा मूड ख़राब है, मेरा मूड ख़राब नहीं होता, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही होती हूँ। तो मैं हर चीज़ सीखती हूँ, इवन कि वो सेट पे उनका बिहेवियर कैसा है, जो हमारे सीनियर्स हैं वो लोग कैसे सबसे बात करते हैं, डायरेक्टर से, एडी से सबसे बात, उनका बिहेवियर कैसा होता है, कौन मेकअप कैसे कर रहा है, किसकी स्टाइल सेंस कैसी है, कौन किस सीन के लिए कौन से कपड़े पहन रहा है, कौन अपना सीन किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, इवन कौन रो कैसे रहा है, कौन हंस कैसे रहा है, डिफरेंस क्या ला रहे हैं सीन में, ये हर चीज़ मैं नोट कर रही होती हूँ। मेहर पोशे मैंने बहुत सीखा है इस हर चीज़ से, सानिया जी से मैंने बहुत सीखा है। क्या सिखाया? कि मैं यही सोचती थी कि अगर ये सीन जो है वो, मैं उनको बोला करती अगर आप करती तो कैसे करती, तो बताया करती थी अगर मैं करती तो, वो ये नहीं बताती कि मैं कैसे करती, वो तुम्हारा अपना है, वो कहती, लेकिन मैं इस तरीके से सोचती इस सीन को। ओके। और वो इतना हेल्प करता था मुझे कि अच्छा ठीक है, तो फिर उस तरीके से सोचो तो आपको समझ में आता है कि सीन किस तरीके से आप फील कर सकते हैं। आयजा से स्टाइल सेंस ऑब्वियसली, किस तरीके से वो मेकअप करती हैं अपना, किस तरीके से वो इतना छोटी छोटी अपनी लुक्स पे, हर चीज़ पे वो इतना कॉन्सेंट्रेट हो करती हैं हर चीज़ पे, विद टेकिंग केयर ऑफ हर किड्स, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये वाली चीज़ बहुत सीखी मैंने। उसके अलावा अजीका से, और आपके को अजीका इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सो मैंने ये चीज़ सीखी, बहुत हार्ड वर्किंग है, सीन को किस तरीके से वो बनाती है, किस तरीके से हाईजैक करती है, वो चीज़ मैंने बहुत सीखी। हाईजैक करती है, ये अच्छा वर्ड यूज़ किया है, हाईजैक करती है। हाँ, और हाँ सबसे इस तरीके से मैं सीखती हूँ कुछ ना कुछ हर किसी से। उसामा एंड जैन दोनों के साथ आपने काम किया हुआ है, इन दोनों के बारे में हमें एक एक कोई मज़े की चीज़ बताएं जो बाकियों को नहीं पता होगी, जो फैंस को नहीं पता होगी। जैन के बारे में मुझे अभी याद आ रही है कि कुछ ही अभी दिन पहले हम लोग, जैन जो है वो बेचारे सीन में फंस जाते हैं, और जैन का ये होता है कि अगर कोई इमोशनल सीन जैन करते हैं तो उसके बाद ना हम जैसे भी, फॉर एग्जांपल हमने एक सीन किया और हम कमरे में आकर फिर बैठ गए ना मेकअप रूम में, और जैन चुप बैठा हुआ ना, मैं नोटिस किया तो जैन रोने वाला हुआ था, तो वो स्ट्रा से फंस जाता है बेचारा, वो सो क्यूट। मैंने कहा मैंने बोला जैन कोई बात नहीं, लड़की पराया धन होती, लड़के नहीं होते, आपको नहीं रोना, आपने जाके और चाबी दी। हाँ, मैंने बट आई थिंक मूड में वापस नहीं करेंगे वो, वापस फिर जब हल्का हल्का मजाक हो तो थोड़ा टाइम लगता है आने में, क्योंकि वो बहुत इंटेंसिटी के साथ सीन करते हैं अपना, ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक तभी आप लोग डिलीवर भी कर सकते हैं ना, आप लोग इतना लेते हैं उसको, इतना फील कर लो तभी आप हाँ कर सकते हो, बेस्ट अपना। उसामा के बारे में
उसामा जैसे ही सेट पे आता है तो उसामा एक आवाज़ लगाता है, ओए चाय बिस्किट ले आना, आ तो जाओ, बैठ तो जाओ आकर. और सुबह सुबह वो खाना ढूंढ रहा होता है ना सेट पे, कोई भी कुछ खा रहा होगा उसको खा लेगा उठाकर. इज़ वेरी फ्रेंडली ऑन सेट सबके साथ. तो ये बड़ी मज़े की बात है उसामा की ना. दैट्स गुड. ये बताएं जब पहली बार इन सब एक्टर्स, ये जो इतनी लंबी लिस्ट ऑफ एक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है, कोई मज़े का वाकया या एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि जब मैं पहली बार इस एक्टर से मिली, किसी से भी, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बिकॉज़ इतनी लंबी लिस्ट है, यू नो, जैसे अली से पहले मिली या आपने निदा के साथ, निदा मुमताज के साथ भी काम किया हुआ है, यू नो, बहुत बहुत लंबी सामरी में भी आपकी बड़ी कास्ट थी, तो इनमें से किसी से भी पहली बार कुछ मिली? सानिया अब्बा के साथ हुआ था. क्या हुआ था? क्योंकि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद हर, एंड जब फर्स्ट डे मीना मेहरपुर पे था तो पहले मुझे गाड़ी पिक करने आई और फिर उनके घर चली गई. अच्छा, एंड आपको नहीं पता था? और सामने से ना सानिया सही चलती हुई आ रही ना, मैंने कहा मेरे साथ पीछे आके बैठेंगी गाड़ी में, ओह माय गॉड. अच्छा, वो बैठी आकर, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, और उस वक्त ना बड़ा मैं डिसेंट सी बन के बैठी, चुप 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 चुप, ये कोई बात करेंगी तो कहूँगी, ये कोई बात करेगी तो कहूँगी. उन्होंने बोला बेटा कहाँ रहते हो, कहाँ से पिक हुए ये बोला. मैंने कहा यहाँ से. आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और सारा वो कंपोजर खत्म और ब्ला 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 फ्री कर लिया उन्होंने मुझे वो वाली बात थी. मैंने बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं हमेशा आपके साथ काम करना चाहती थी. और फर्स्ट सीन उनके साथ हुआ तो मुझे अपना बेस्ट देना था, तो मैंने कहा कि मैं बेस्ट दूंगी अपना. फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता जब मैं तुम्हारी एज की थी मैं भी ऐसी थी. उन्होंने फर्स्ट डे मुझे बात बोली, दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट. आई कैन इमेजिन, एंड आई एम श्योर प्रेशर भी बहुत होगा. और जब उन्होंने कुछ तारीफ भी की होगी तो आप बड़ा खुश भी हुई होगी, बिकॉज जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हो, देख रहे हो, तो वही तारीफ करे तो वही आपके सामने जब खड़ा हो, ड्रीम कम ट्रू. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जैनब, यू शुड फील वेरी प्राउड. आई डोंट नो आपको रियलाइज़ होता है या नहीं होता कि आप अपनी बेसिस पे आई हैं, आपने खुद इतनी मेहनत करके किया. क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी हम ना वो लाइफ में इतनी तेज़ी से चल रहे होते हैं, और घर वाले यूजुअली हमसे बहुत प्यार करते हैं, दे कीप अस ग्राउंडेड, राइट, तो वो हमें दिमाग में चीज़ चढ़ने नहीं देते. और सेट्स पे भी आई एम श्योर कोई आके तो ये नहीं कहता होगा जैनब अब भी, बट आई जस्ट वॉन्ट अप्रिशिएट, एंड आई होप कि आपको पता है कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे, और बहुत बहुत आपने माशाल्लाह से, यू नो, इतनी छोटी एज पे बहुत बड़ी चीज आपने अचीव की है, एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ. हां, आई एम प्राउड नहीं हूं, लेकिन मुझे खुशी बहुत होती है. प्राउड नहीं इन द सेंस के मुझे ये भी लगता है कभी कभी कुछ कर लिया जिंदगी में, ये वाली बात है, कुछ कर लिया. और अभी तो आगे बहुत जाना है, आगे बहुत बढ़ना है, और हां, और things are going good, mashallah. घर में प्रैक्टिस होती है? अम्मी को पकड़ा के अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ के साथ साथ, जब स्टार्ट कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, हाँ, तो बहन के साथ कभी कभी करती हूँ कि तुम किस तरीके से बोली जाएगी लाइन, कैसे पलवशा कैसे बोलती होगी, या आयत कैसे बोलती होगी, क्या चुलबुलापन होगा उसके बोलने में, क्या डिसेंट. कभी घर में एक्टिंग की अम्मी या बहनों के साथ कुछ मनवाने के लिए? उनको फौरन पता चल जाता है, पता चल जाता है. अब तो मतलब ऐसा है ना, कोई रोए भी ना, रियल बात पे एक्ट्रेस है, एक्टिंग कर रही होगी. ओह गॉड, ये बड़ा मसला है, एक्टर का बहुत मसला है ये. अगर आप रो रहे हो या आपने कोई भी फीलिंग्स आप शेयर करो तो एक्टर है, कहीं ना कहीं तो ये बात आती होगी सामने वाले के माइंड में, एक्ट्रेस है, एक्टिंग कर रही हो, एक्टिंग कर रही हो. और मुझे लगता है कि आप कर रहे होते हो, आप कोई डायलॉग खुद ही मान लिया, खुद ही मैंने बोल दिया, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, कोई डायलॉग बोल देते हो, आप स्क्रिप्ट का कोई डायलॉग उठा के आप कन्विंस करने के लिए बोल देते हैं. हाँ, अपनी अम्मी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मुझे लगता है अम्मियों को कभी कभी हम ना जितना अप्रिशिएट करना चाहिए शायद करते नहीं हैं, दिल में करते हैं, मुंह से नहीं बोलते. बहुत बड़ी लाइंस नहीं बोलूँगी अम्मी के लिए, मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल द कॉम्प्रोमाइज़ेस, फॉर ऑल द दुआस, ऑल द सपोर्ट, एवरीथिंग यू डू, जो भी करती. थैंक यू, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ रहे हैं आपकी बात सुन के. मैंने सुना आप गुनगुनाती भी हैं थोड़ा सा, थोड़ा बहुत सुन के, बहुत बुरा. चलिए ये हम डिसाइड करते हैं कि आप बुरा गुनगुनाती हैं या अच्छा गुनगुनाती हैं. छोटा सा पार्ट में कल सुन रही थी, स्ट्रिंग्स का ही सुन रही थी, छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट सुनाऊंगी. कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया नजर, कभी कोई था मेरी राहों का एक हम सफर, उसे ढूंढूं कहाँ, उसे पाऊं कहाँ, आज मैं हूँ